गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपने देखा, हम हाईवे में बीच में गोवा एंटर करते ही ब्लॉग खत्म कर दिए, क्योंकि हम ड्राइव करेंगे स्ट्रेट टू गोकर्णा। अब तक है ना, हमको कोई टोल नहीं लगा, बिकॉज NH66 में कोई टोल लगता नहीं है गोवा तक के लिए, ये हमको पता चल गया। अब आगे कर्नाटका का आपको पता चलेगा। टायर्ड तो है, बट सुपर टायर्ड है। बट पता है क्या, थोड़ा जो हमने ड्राइवर इंटरचेंज किया ना, उससे हम थोड़ा सा रिस्टोर हो गए। पहले रिया सोई, मैं ड्राइव किया, फिर मैं सोया, रिया ड्राइव की। अब तक है ना, रोड मेरे को तो अच्छे लग रहे थे, बट मुझे पता है गोवा में थोड़े बहुत डाइवर्शन मिलते हैं। चलो देखते हैं आगे कैसा रखा है अपने लिए रोड। गोवा एंटर करते ही ना डाइवर्शन का सिलसिला चालू हो गया। देखिए हम लोग अभी राइट साइड में चल रहे हैं। ये जो फ्लाईओवर है ना, ये मांडोवी के ऊपर से निकलता है एंड दिस इज पार्ट ऑफ NH66। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। पांच बज रहे एंड वी आर क्रॉसिंग पंजिम सिटी। थाने से मैंने पेट्रोल भराया था फुल टैंक, अभी भी 120 किलोमीटर की रेंज है, बट मैंने पेट्रोल भरवाया नहीं है। उसके बाद रोड फिर से सिंगल लेन हो गए। एक पेट्रोल पंप में रुका था, बट उसके पास पावर नहीं था, तो आई एस्केप्ड। अच्छा, ये गाड़ी देखो बंद था करके, यहाँ इतना फॉग फॉग हो रहा है। टेम्परेचर बाहर का भी 23 डिग्री है। ये क्या लग रहा है, चर्च है? अरे भाई, ये ट्रक को दिखाई नहीं। मैं लोग देखो काम में जाने के लिए सुबह सुबह चर्च के बाजू में। अच्छा लग रहा है ना चर्च? हाँ। बहुत सही। गोवा में ये सब तो बहुत मस्त है। और आपको अगर गाड़ी खरीदना है, आप यहाँ पे ट्रू वैल्यू से सेकेंड हैंड गाड़ी उठा के पूरा घूम सकते हो और फिर यहाँ पे बेच के निकल सकते हो। रिफंड का ज्ञान, राइट? मुद्रेश्वर भी यहीं से जाते हैं ना, कारवार मुद्रेश्वर। सो वी आर कंटिन्यूइंग स्ट्रेट इन NH66। यहाँ से पौने तीन घंटे में है अपना गोकर्णा, और गाड़ी में पेट्रोल है 100 किलोमीटर का, तो हम लोगों को पेट्रोल के लिए कहीं रुकना है। ये रोड पे है ना डबल लेनिंग नहीं हुई है, बट रोड का कंडीशन तो जबरदस्त है। जो येलो नंबर प्लेट बाइक्स देख रहे हो, दे आर पायलट बोलते हैं, तो आप उनको रेंट कर सकते हो यहाँ से वहां जाने के लिए। ये मॉडल गोवा में बहुत पुराना है। और हम क्रॉस कर रहे हैं मडगांव, और ये देखो पोर्ट मैंगलोर 341 किलोमीटर, मेनोलिम बीच 7 किलोमीटर ओनली, कोलबा 5 किलोमीटर। अभी अंधेरे में जाके फायदा नहीं है, और भूख भी तो लगी रही है। तो यहाँ देखते हैं स्पीड मिलता है तो ले लेंगे। ये वाले बीपी में स्पीड मिल गया 99.93 का है, करीब 40 लीटर तो जाना चाहिए। 37.33 हो गया अपना 99 के रेट से। 576 का हमारा ट्रिप है अब तक, तो अब तक माइलेज 15.7 मिला। मुझे लग रहा है ये अच्छा मिला है, बिकॉज थाने से हम मडगांव तक आ गए विदाउट फिलिंग पेट्रोल, और सिर्फ 37 लीटर का खर्चा हुआ थाने से मडगांव आते वक्त। चलते हैं गोकर्णा की तरफ, भूख तो लग रही है, जहाँ पे खाना मिलता है थोड़ा सा चख लेंगे। क्या ट्रैफिक लग गया यार, टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6:30, बट ट्रैफिक तो मूव ही नहीं हो रहा है। देखो क्या हालत है, यहाँ पे एक ट्रक एक्सीडेंट है, इसके वजह से पूरा ट्रैफिक लग गया था। चलो अभी तो शायद निकलेंगे आगे। ट्रैफिक का सिलसिला तो खत्म ही नहीं हो रहा है, वो एक्सीडेंट वाले, अरे भाई भाई मत गिर। तो होपफुली वहाँ पे सेफ हो। वैसे मुझे लगा कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा, सिर्फ ट्रक ही उल्टा था, मतलब ड्राइवर शुड हैव बीन सेफ। तो देखो यहाँ पे पूरा हाईवे जैम लगा हुआ है NH66। ऐसा मतलब मैंने इस हाईवे पे देखा नहीं है, इट्स लाइक अनयूजुअल। हल्की हल्की सी सुबह हो रही है और हम है कैनाकोना डिस्ट्रिक्ट के आसपास। वाओ, मौसम मस्त लग रहा है ना, यहाँ तो ब्लाइंड है, मैं क्रॉस भी नहीं कर सकता। सुबह अभी हुआ है। ब्लाइंड टर्न ना, मैं आपको अच्छे रोड दिखा सकता हूँ ना, मैं इनको ओवरटेक कर सकता हूँ। यार थोड़ा सा यहाँ पे बोरिंग हो गया है,
और टाइम भी हमको बहुत। हाँ थैली सेकंड गियर में खींच दिया। पैलोलिम जाते वक्त ये जो रोड्स है ना ये मुझे बहुत पसंद है। तो NH17 का ये स्ट्रेच है ना बहुत सीनिक है और इसकी जो ब्यूटी है ना ये मतलब 12 मंथ्स ही ऐसी रहती है अब कोई भी सीजन में आओ। नाश्ता के लिए पैलोलिम साइड रुक जाए क्या? हाँ हाँ चलो। फिर देखते हैं गोकर्ण का, पहले कोई पब्लिक पार्किंग में गाड़ी लगा के ना पहले में थोड़ा नाश्ता का जुगाड़ कर लेते हैं। मंगलुरु 299 कारवार 28 एंड वी आर एंटरिंग कैनकोना डिस्ट्रिक्ट कोची 716 किलोमीटर एंड नाउ वी आर टेकिंग दिस डाइवर्शन। ये भी पनवेल कोची कन्याकुमारी बता रहा है। ये राइट में है ना हम लोग पैलोलिम बीच के तरफ डाइवर्शन ले रहे हैं फॉर ब्रेकफास्ट। तो चलो बीच में आपको थोड़ा सा है ना समुंदर भी दिखाते हैं। आपसे वादा किया था ना एक ब्लॉक तो खत्म कर दिया बिना समुंदर दिखाए। हार्डली 7 मिनट्स का डाइवर्शन है यहाँ से 2 ही किलोमीटर का है। वेलकम टू पैलोलिम बीच एंड दिस इज द फर्स्ट व्यू ऑफ ओशियन अरेबियन सी जो आपको इस सीरीज में देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं खुला पर पब्लिक पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं फिर देखते हैं कहीं खाना बना। नहीं तो एक भैया है जो ब्रेड ऑमलेट बेचते हैं कम से कम उनसे तो खा पाएंगे। आफ्टर पैलोलिम बीच हम लोग फिर से NH66 के तरफ लग चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई कैफेज बार्स खुले नहीं थे तो नाश्ता तो ऐसे छुआ नहीं है। वो देखो भैया कसरत कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सही। एंड इन द लेफ्ट सनराइज आप थोड़ा सा तो देख लो जितना आपको देखने को मिल रहा है और कुछ म्यूजिक एंजॉय करो। कारवार और यहाँ पे थैंक यू विजिट अगेन आ गया। तो आई गेस गोवा बॉर्डर आने वाला है। ये ऐसा क्यों बता रहे कि यहाँ से चलो। ओके चलते हैं यहाँ से गालजीबाग जाना है क्या रिया? तो एक्चुअली अभी है ना हमने गालजीबाग बीच का एक झलक देखा और देख के बहुत अच्छा लगा। बट गालजीबाग जाना है कि नहीं वो रिया बोली कि क्योंकि पैलोलिम में तो उसको नाश्ता का एक भी लोकेशन पसंद नहीं आया जिसके लिए हम लोग दर दर भटक रहे हैं। बताओ तुम देखेंगे कुछ खाएंगे खाएंगे। तो ये कहीं बॉर्डर तो नहीं है? यही बॉर्डर लग रहा है। अबकारी चेक पोस्ट से बाहर निकल रहे हैं अपन। वो देखिए दूर पे थैंक यू विजिट अगेन का भी बोर्ड आ गया। यहाँ पे पोलेम चेक पोस्ट करके दिख रहा है। तो पोलेम बीच का हमने जस्ट रोड क्रॉस किया सिंस वी आर हंग्री हमने डाइवर्शन नहीं लिया। बट यही प्रॉपर चेक पोस्ट है गोवा कर्नाटका का। राइट से मार सकते हैं क्या? नहीं मार सकते क्या? एक एक करके गाड़ी चेक हो रही है। तो ये थैंक यू विजिट अगेन का बोर्ड NH66 का। इसी के साथ हम गोवा से निकल रहे हैं बाहर। तो पोलेम चेक पोस्ट पे अपना तो कोई चेकिंग नहीं हुआ। मजली ये कर्नाटका का है शायद COVID-19 चेक पोस्ट। वेलकम टू IRB वेलकम पोस्ट टोलवे वेस्ट कोस्ट टोलवे। अच्छा ये रिफ्लेक्शन के लिए अच्छे से दिखा भी नहीं। यहाँ पे रोकेंगे क्या कोई? उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट पुलिस। क्यों घुसा तू यहाँ पे? मैं नहीं दूंगा जगह। लाइन से आइए। ये देखिए ये कर्नाटका का चेक पोस्ट है। पुलिस ने रोका क्या उनको? रोका। अच्छा गेट बंद किया। एक एक करके चेक करेंगे। चलो यहाँ पे तो कोई अल्कोहल चेकिंग नहीं हुआ। अगर आप टुवर्ड्स कर्नाटका आ रहे हो फ्रॉम गोवा तो अगर आप लकी होंगे तो हमारे जैसा चेकिंग नहीं होगा। हम लोग तो बस ट्रेसपास कर रहे थे गोवा को और 1 घंटा 1.25 घंटा यहाँ से है गोकर्ण। तो यहाँ से लेफ्ट में 100 किलोमीटर पे डांडिली है। तो डांडिली पे है ना हम एक बार जाके 2 रात रुक के आए एंड वहाँ पे मस्त व्लॉग भी बनाए थे। यहाँ से लेफ्ट रास्ता जाता है डांडिली का। तो वहाँ पे फॉरेस्ट सफारी होती है। वहाँ पे काली टाइगर रिजर्व है। काली रिवर भी है। काली रिवर एस्टुअरी कन्याकुमारी 985 कन्याकुमारी बस ऐसे ही पहुँच जाएंगे। चाहे तो हम लोग पहुँच सकते हैं लेकिन हम लोग नजारे का आनंद लेते हुए जाएंगे। उडुपी कैफे में जाना है। हाँ, चलो 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 यू टर्न लेके चलते हैं।
देखते हैं यहाँ यूटर्न मिलता है तो यूटर्न मार लेंगे या फिर नदी पार करके आएंगे। वी आर एंटरिंग द काली रिवर, लेफ्ट साइड में देखो क्या नजारे हैं। यूटर्न मारेंगे नजारे क्या बेहतरीन लग रहे हैं। अभी हम चल रहे हैं NH66 कर्नाटका के स्टेट में और ये है ना कारवार टाउन के जस्ट आउटस्कर्ट्स से चल रहे हैं। वी जस्ट हैड वेरी गुड ब्रेकफास्ट, ओपन पेपर डोसा एंड पेपर डोसा। कैसा था ओपन डोसा? अच्छा नहीं था, मतलब पेपर डोसा रिया को अच्छा लगा जो मैंने मंगाया था और ओपन डोसा जो उसने मंगाया था वो मुझे अच्छा लगा। हाँ, बट फिल्टर कॉफी अच्छा था उसका, फिल्टर कॉफी बेस्ट था। 255 का कुछ बिल आया था। रोड्स को इतना एंजॉय कर रहे, इतना एंजॉय कर रहे, क्या ही बोले। आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ये देखिए नेवल बेस रोड जो है ना, ये पूरा पानी के बाजू बाजू से है। हमने जाने का कोशिश तो नहीं किया बट यहाँ के नजारे पहाड़ और समुद्र का कॉम्बिनेशन ना, हाँ बहुत मस्त है, बहुत मस्त है सच में। अपने ट्रिप का पहला लेजिट टोल होने वाला है तो अच्छा यहाँ से भी रास्ता है, वहाँ से ट्रक्स को टोल लग रहा है तो हम देखते हैं सीधा निकला जा सकता है कि नहीं। किसी ने तो यहाँ तक नहीं रोका। अरे ये तो डिफेंस का लग रहा है, मैंने इधर से आया मुझे लगा ये भी नहीं, वो शायद डिफेंस में काम करते होंगे। मैं इधर से आया, मुझे लगा कि टोल नहीं लगेगा तो आर्मी वाले अरे नेवी वाले सर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारा बेस के अंदर जाने का रास्ता है। एक्चुअली में अपना इस ट्रिप का पहला लेजिट टोल होगा, पहले वाले तो बस नवी मुंबई एंट्री के थे तो देखेंगे इसमें कितना कटता है। आपको तो टोल का खर्चा मिल ही जाएगा ना। हाँ खुल गया, क्या ग्रीन है। और ये जगह का नाम है ट्राई कलर कोकोनट ट्री, क्या ग्रीन है। हट्टीकेरी टोल प्लाजा, हट्टीकेरी टोल, हट्टीकेरी टोल प्लाजा, वाव बहुत मस्त लग रहा है, बहुत मस्त। अरे वहाँ पे बोट्स भी है, बोटिंग हो रहा है, मतलब जितना रिकॉर्ड करे ना उतना कम है। NH66 इतना प्यारा है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर है ना। ये देखो बिल्कुल रिवर के बाजू से जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। एक फोटो खींचा सकते थे ना। हाँ मुझे लगा तुमको नींद नींद है इसलिए मैं रुका नहीं, मेरे को अच्छे 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 फोटो के स्पॉट दिखे। जगह पे फोर लेन टू लेन तो हुए ही जा रहा है। हमने ना अच्छा सा डिफेंस बेस भी क्रॉस किया, वी क्रॉस्ड INS पतंजलि, INS कादंबरी। रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज मुझे लगता है कि वो अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ से राइट मुड़ जाएंगे टुवर्ड्स गोकर्णा। अभी यहाँ से 25 मिनट और 11 किलोमीटर है। ये थोड़ा सा गोवा जैसा ही लग रहा है, रोड थोड़े से वाइड लग रहे हैं क्योंकि गोवा के रोड यूजुअली इससे पतले होते हैं। रोड्स तो भाई मस्त बना के रखे हैं यहाँ पे, वातावरण ग्रीनरी एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है। अभी हम लोगों का बड़ा टास्क है घर ढूंढना जो रिया ढूंढेगी। मैं तो हो जाऊंगी फिर हाई फाई हो जाऊंगी फिर बोलोगे अरे रिया कितना महंगा खोज। देखो ये तुम्हारा ये है, तुमको बजट टास्क दिया गया है 2500 रुपए में घर खोजने के लिए। अच्छा ठीक है खोजो, ठीक है पर डॉर्मेटरी मत खोज लेना। नहीं तुमने बोला अभी ये इतना कंडीशन नहीं चलेगा। अरे यहाँ से राइट में गोकर्ण, गोकर्ण बोलते हैं क्या, नाइट सफारी टेंट कैंप, नाइट सफारी भी होता है यहाँ पे। तो ये जो नैरो से रूम से हम लोग आए थे गो दर्शनल में, तो उनका रूम तो अच्छा है बट अनफॉर्चुनेटली एसी अवेलेबल नहीं है। तो एसी कुछ 4K का था तो हम लोग आगे एक
होटल में बात की है, तो वी आर गोइंग देयर, आपको दिखाते हैं। जो डेड एंड है ना, उसी गली से आए हैं आगे। ये डेड एंड में से लेफ्ट में रिसोर्ट है। बाप रे, ये जो सीधा दिख रहा है ना, इधर ही बात करके गए अभी, तो दे वेर कोटिंग काइंड ऑफ 4000 फॉर एसी, 2800 फॉर नॉन एसी। देव समुद्र बीच रिसोर्ट एंड स्टे स्पा। अभी हमने रिजर्वेशन कर लिया है, तो देव समुद्र बीच स्टे 4000 पड़ा एसी रूम का। मैं जाके आपको रूम दिखाता हूँ। तो फाइनली रूम पे आ गए। मुझे सच में बहुत टायर्ड लग रहा है। इस बार का पहला हम लोग का दिन सबसे ज्यादा ट्रैवल, बहुत ड्राइव कर लिया, मतलब इतना ड्राइव, मतलब एकदम ड्राइव से ड्राइव हो गया। देर नहीं करके है ना, रूम का रिव्यू दे देते हैं। ये अपने रूम के मेन डोर के ऑपोजिट का व्यू है, और ये तो रूम है। ये अपना बड़ा सा चारपाई, बड़ा सा ही बोलूंगा एक्चुअली में। देखो आप, तीन लोग भी इसमें आराम से सो सकते हैं, इस टाइप का है। अब एक्स्ट्रा पर्सन का चार्ज मत पूछना, नहीं पूछा हमने। और ये है हमारा लगेज, एक महीने का पूरा सब एक साथ पड़ा हुआ है। और इधर अगर जाते हैं ना अंदर, यहाँ तो मिरर है, आपने देख ही लिया। वॉशरूम लुक्स टू बी क्लीन, गर्म पानी का अरेंजमेंट तो है, कबर्ड वगैरह ठीक ठाक है, और क्या करेंगे देख के। और ये जो साइड है ना, ये बैल्कनी है। बैल्कनी का ऐसे व्यू बोले तो, बैल्कनी से हमको अपना गाड़ी दिख सकता है, वही है। पीछे देख के पता चल रहा है ना कि शाम हो गई है, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थे अपने ट्रिप के बाद। तो बस है ना, नहा के खा के जो बिस्तर पे पड़े, अभी उठे, अभी करीब 8 बज रहा है। ओवरऑल जो गोवा से गोकर्ण का ट्रिप था, बहुत टायर्ड होके हमने किया। एक दो अच्छे से बीचेस नाम वाइज लग रहे थे, जैसे पोलेम, हनी बीच, बट हमने ना डाइवर्शन नहीं लिया। ये जो बीच हमने रुके हैं ना, दिस इज़ लाइक करियप्पा बीच, जो कि गोकर्ण का मेन बीच के साथ में, बहुत ही पीसफुल बीच है। मतलब एक्सीडेंटली डिस्कवर किए, अच्छा लगा। एंड अभी तक जो टोल है ना, आई थिंक कुछ 250-300 रुपये का ही आया, स्क्रीन पे कुछ आ रहा होगा, जो मेरे को कर्नाटका में देना पड़ा, दैट्स ऑल। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, जहाँ पे हम थोड़ा सा गोकर्ण कल सुबह को एक्सप्लोर करेंगे, करते हुए वी विल स्टार्ट टुवर्ड्स मुरुदेश्वर एंड उडुपी। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।